हजरत मरियम वो पाकबाज और पाकीजा औरत हैं जिनके नाम पर कुरान मजीद में एक पूरी सूरत उतार दी गई और कुरान पाक आपकी पैदाइश, परवरिश, किफालत और आपके यहाँ हजरत ईसा की पैदाइश के वाकयात को खोल खोल कर बयान करता है ताकि लोग अल्लाह तबारक व ताला की महबूब बंदी के बारे में कोई शको शोबा ना रखें। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक रखती हैं। आपके वालिद मोहतरम उस दौर में बनी इसराइल के इमाम नमाज थे और आपकी वालदा मोहतरमा भी आबदा और जाहिदा खातून थी। उस दौर में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया था। जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वालदा के यहाँ औलाद नहीं थी तो उन्होंने अल्लाह के नाम पर यह नज़र मानी कि अगर उनके यहाँ औलाद हुई तो वो उसे बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर देंगी। उस वक्त के रिवाज के मुताबिक जो लड़का अल्लाह ताला के नज़र कर दिया जाता वो ना तो शादी करता था और ना ही दुनियावी मशागिल में दिलचस्पी लेता था, सिर्फ इबादत गाह की खिदमत करता और खुद इबादत में मशगूल रहता था। हजरत बीबी मरियम की वालदा ने भी बेटे के अता करने की दुआ उस लिए की थी कि रिवाज के मुताबिक इबादत गाह की खिदमत के लिए तो सिर्फ लड़कों को कबूल किया जाता था, लड़कियों के लिए ये इजाज़त नहीं थी। चुनाचा बेटे की जगह जब बेटी पैदा हुई तो माँ को ये फिक्र हो गई कि उसकी नज़र कबूल नहीं होगी क्योंकि दस्तूर के मुताबिक लड़की नज़र करने की ममानत थी। उसी कश्मकश में अल्लाह ताला से ये दुआ की कि ऐ रब, मैंने तो लड़के की दरख्वास्त की थी, लेकिन जो अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत का इल्म है वहाँ तक इंसानी सोच कैसे पहुँच सकती है। अल्लाह ताला ने जिस लड़की को पैदा फरमाया था उससे दरअसल मुकद्दस माँ बनाना मकसूद था, जिसमें से एक अजीम शान मुबारक व मसूद बेटे ने पैदा होना था जो पैदाइशी नबी था। बहरहाल हजरत मरियम की पैदाइश हो जाती है और मुद्दत रज़ात ख़त्म होती है तो आप अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा आपको बैतुल मुक़द्दस ले जाती हैं ताकि मुजावरों के सुपुर्द करके अपनी मन्नत पूरी करें। वहाँ मुजावर झगड़ने लगते हैं, हर कोई ये चाह रखता है कि हजरत मरियम की किफालत उसके सुपुर्द की जाए। फिर यह फैसला हुआ कि मुजावरीन वो कलम जिससे वो तौरात लिखते थे पानी में छोड़ दें, जिसका कलम पानी के बहाव में बहने की बजाय उल्टा बहे वही हजरत मरियम की कफालत का हकदार होगा। इस मुकाबले में हजरत ज़करिया भी शामिल थे। उनके कलम को अल्लाह ताला ने पानी में बहाव के उल्टे तरफ बहाया और उनकी परवरिश के हकदार हो गए और बीबी मरियम को अल्लाह की मंशा के मुताबिक हजरत ज़करिया की कफालत में दे दिया गया। हजरत ज़करिया की बीवी हजरत मरियम की खाला लगती थी, उसलिए उनसे बढ़कर उनकी परवरिश और कौन कर सकता था। इसी तरह हजरत मरियम बैतुल मुक़द्दस में रिहाइश पजीर हो गई। आपके लिए एक कमरा मखसूस कर दिया गया जहां हजरत ज़करिया के अलावा और कोई नहीं जा सकता था। आप दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहती थी। जब भी हजरत ज़करिया आपके पास आते तो वो हैरान होते क्योंकि आपके पास बेमौसम फल मौजूद होते थे। गर्मियों के फल सर्दियों के मौसम में और सर्दियों के फल गर्मियों के मौसम में आपके हुजरे में मौजूद होते थे। हजरत ज़करिया की हैरत बजा थी, तभी हजरत मरियम से पूछा कि ये फल कहाँ से आते हैं, कौन देकर जाता है आपको। हजरत मरियम पुरसकून होकर फरमाती हैं कि अल्लाह के पास से। तभी हजरत ज़करिया ने अल्लाह तबारक व ताला से वारिस के लिए दुआ फरमाई। आपकी बीवी के बांझ होने के बावजूद मौजज़ाए खुदावंदी से आपके यहाँ हजरत यहया की विलादत हुई। हजरत मरियम की अजमत और फजीलत को रब्बे करीम ने बार बार कुरान मजीद में फरमाया है और अपनी मोमना बंदी की पाकीजगी और पाक दामनी का ऐलान किया है। हजरत बीवी मरियम की उम्र जब तकरीबन 15 साल हुई तो एक फरिश्ता खूबसूरत नौजवान मर्द की शक्ल में नमूदार हुआ, जिसे अलहदगी में देखकर हजरत मरियम खौफजदा हुई और वो अपनी असमत की हिफाजत के लिए फ़िक्रमंद हो गई। गो के फरिश्ते के चेहरे पर तकवा के आसार नमाया थे, ताहम बीबी ने अपनी असमत की हिफाजत के लिए खुद को अल्लाह की पनाह में दे दिया। ये एक इफ़त और पाकबाजी का एक तरह का इम्तहान था जो अल्लाह के ख़ास बंदों पर अक्सर होता है। आपने उस शख्स से कहा कि वो वहाँ से चला जाए। उनकी परेशानी देखकर नौजवान ने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं इंसान नहीं हूँ,
अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ एक फरिश्ता हूँ। आने की वजह बताते हुए फरिश्ते ने कहा कि आपको एक पाकीज़ा और मुबारक व मसऊद बच्चे की विलादत की खुशखबरी देने आया हूँ। हज़रत मरियम को इंतहाई ताज्जुब हुआ। वो बोली कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि वो शादीशुदा नहीं थी। फरिश्ते ने कहा कि उससे पहले अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को माँ और बाप दोनों के बग़ैर पैदा फरमा चुका है, और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को सिर्फ मर्द के वजूद से पैदा फरमाया गया। हज़रत मरियम जब हामिला हुई तो एक दूर जगह चली गई। इस बारे में एक किस्सा कई बुजुर्गों ने जिक्र किया है कि जब आपका हमल जाहिर हुआ तो सबसे पहले बनी इसराइल के आबिद और जाहिद शख्स वहाब बिन मुनब्बा, जो आपके खालादाद भाई थे, इंतहाई ताज्जुब में पूछा कि ए मरियम, क्या बीज के बगैर खेती उग सकती है? फरमाया, जी हाँ, बताओ किसने पहली मरतबा खेती को पैदा किया? फिर पूछा कि क्या बगैर मर्द के औलाद हो सकती है? फरमाया कि जी हाँ, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को बगैर माँ बाप के पैदा फरमाया। फिर कहा कि अच्छा, अपनी खबर दो। हज़रत मरियम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे खुशखबरी दी है, अपनी तरफ से एक निशानी जिसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम होगा, दुनिया और आखिरत में साहिब मर्तबा होगा और लोगों से बचपन और बुढ़ापे में कलाम करेगा। मोहम्मद बिन इसहाक फरमाते हैं कि जब हज़रत मरियम के हामला होने की खबर बनी इसराइल में आम हो गई तो बहुत से अफराद ने हज़रत ज़करिया के घर आना जाना बंद कर दिया और आप पर इल्ज़ामात और बहतान लगाने लगे। हज़रत मरियम ने लोगों से अलहदगी अख्तियार कर ली और दूर तन्हाई में चली गई। जब हमल का दर्द शुरू हुआ तो आपने एक दरख्त का सहारा लिया और उनके नीचे बैठ गई। दर्द से बेचैन और बदनामी का ख्याल, आखिर घबरा कर कहने लगी कि काश मैं पहले ही मर गई होती और भूली बिसरी हो गई होती। बेसरो सामानी की इस मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम के कदमों के करीब एक नहर जारी कर दी और निदा आई कि पानी पियो और खजूर खाओ ताकि जिस्म को कुव्वत पहुँचे और फिर अपनी औलाद को देख कर आँखों को ठंडक पहुँचाओ। इस्लाम आने से पहले बोलने का रोज़ा रखना इबादत में दाखिल होता था, यानी सुबह से रात तक किसी से बात न करते। बाद में ये हुक्म मनसूख हो गया, लिहाजा हज़रत मरियम की परेशानी दूर करने के लिए कहा गया था कि तुमसे कोई शख्स इस बच्चे के बारे में पूछे तो इशारे से कह देना कि मैंने चुप का रोज़ा रखा है। जब हज़रत मरियम को कुछ तसल्ली हुई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, फिर आप अपने बेटे को कौम के पास ले आईं। कौम के लोग आपके गोद में बच्चा देखकर गज़बनाक हो गए और आपकी इबादत गुजार और पाकीज़ा ख़ानदान का हवाला देते हुए आपसे बदगुमान हुए और इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। जब हालात बहुत तंग हो गए और सोच समझ के दरवाजे भी बंद हो गए, सिर्फ तवक्कल का मदार अल्लाह की ज़ात ही रह गई, तब हज़रत मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस बच्चे से बात कर लो, तुम्हारे सारे सवाल के जवाब ये बच्चा देगा। सरकश लोगों ने कहा कि भला ये दूध पीता बच्चा हमारे सवालों के जवाब कैसे देगा, हम क्यों करें इससे गुफ्तगू। कौम का ये कलाम सुनकर हज़रत ईसा ने तकरीर शुरू कर दी, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यूं फरमाया है। और जब बच्चे ने फरमाया, मैं हूं अल्लाह का बंदा, उसने मुझे किताब दी और मुझे नबी किया, उसने मुझे मुबारक किया, मैं कहीं हूं, मुझे नमाज और तकवा की ताकीद फरमाई, जब तक मैं जीऊँ अपनी माँ से अच्छा सलूक करने वाला और मुझे ज़बरदस्त बदबخت नहीं बनाया, और सलामती है मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूं और जिस दिन जिंदा उठाया जाऊंगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुतल्लिक इसराइली रवायात में बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं। उनमें से एक इंजील में है जो हज़रत वहब बिन मुनब्बा से मकतूल है। हज़रत ईसा की विलादत के शब फारस के बादशाह ने आसमान पर एक नेक सितारा रोशन देखा। नजूमियों से दरियाफ्त किया तो बताया गया कि इस सितारे का तुलू किसी अजीम शान हस्ती की पैदाइश की खबर देता है जो मुल्क शाम में पैदा हुई है। बादशाह ने खुशबुओं के उम्दा तोहफे देकर एक वफद को मुल्क शाम रवाना किया। मुल्क शाम पहुँच कर वफद ने यहूदियों के बादशाह से तमाम हालात दरियाफ्त करना चाहे। वफद के ज़बानी वाक़या सुनकर बादशाह घबराया और फिर वफद को इजाज़त दे दी कि वो बच्चे के मुतालिक मालूमात हासिल कर लें। बारशियों के इस वफद ने बैतुल मुक़द्दस पहुंचकर हज़रत ईसा को देखा, दो सजदाए ताज़ीम किया और चंद रोज़ वहां क़याम किया। उसी दौरान उस वफद के बाज़ आदमियों ने ख्वाब में अपने बादशाह को इस बच्चे का दुश्मन देखा।
उन लोगों ने हज़रत मरियम को अपना ख्वाब सुनाया और मशवरा दिया कि इस बच्चे को किसी महफूज जगह ले जाएं। उसके बाद हज़रत मरियम हज़रत ईसा को लेकर मिस्र चली गई। जब हज़रत ईसा की उम्र मुबारक 13 साल हुई तो बैतुल मुकद्दस वापस आ गई। बुखारी शरीफ में हज़रत अबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं और ईसा अल्लाह के बंदे और रसूल हैं जिनको अल्लाह ने मरियम की गोद में डाला और उसकी रूह हैं और जन्नत हक और जहन्नुम हक है, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में ज़रूर दाखिल फरमाएंगे चाहे वो जैसे भी अमल लेकर आए। अल्लाह ताला हम सब को कल्ब सलीम अता फरमाए और कुरान और हदीस पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।